अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मी चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको डबल कॉलर नेक बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने शर्ट की कटिंग करने के बाद उसका फ्रंट पार्ट अलग कर लिया है, तो चलें उसके नेक की साइजिंग कर लेते हैं। अब हम इंच स्टेप की मदद से नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच, यानी कि उसकी चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। उसके बाद हम उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। नेक की लंबाई का निशान लगाने के लिए नॉर्मल गले की लंबाई होती है 7 इंच, तो ये मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसके लिए हम मज़ीद कॉलर के लिए लेंथ बढ़ाएंगे, तो कॉलर के लिए लेंथ बढ़ाने के लिए हम 6 इंच का मज़ीद निशान लगाएंगे। ये 6 इंच हमने कहाँ से लिए? जो चेस्ट से फिटिंग तक 6 इंच का निशान आता है, तो वही 6 इंच हम यहाँ से बढ़ाएंगे। तो 6 इंच का और निशान लगाते हैं। इसी तरह से हम 1 इंच का मार्क ऊपर भी करेंगे और इस मार्क को नीचे वाले मार्क के साथ स्केल की मदद से मिला लेंगे। जब इस तरह से निशानात लगा के मार्किंग की जाती है, तो गला कभी भी ख़राब नहीं होता। इस तरह से मार्किंग करने के बाद मैं इसको कैंची से सारे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूंगी। इस कॉर्नर को भी हम कट कर लेंगे। इसको कट करने का ये फ़ायदा है कि कॉलर नीट लगता है। अब हम शर्ट को सीधा कर लेते हैं। इसकी सीधा करने से कुछ लुक इस तरह से आ जाएगी। इसके साथ इसका बैक पार्ट अटैच करते हैं, कमीज़ का पिछला हिस्सा अटैच करते हैं। तीरे की सिलाई लगाने के बाद हम इसके गले की तैयारी करेंगे। इसको कमीज़ को सीधा किया और इसके अब ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं, इन दोनों कॉर्नर्स को हाफ हाफ इंच पे आप कटिंग कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे जब आप गला अटैच करेंगे, बुकरम लगाएंगे, तो इससे चुनट नहीं आएगी और गला नीट तरीके से लगेगा। इंच स्टेप की मदद से अब हम इसकी पेमाइश कर लेंगे। गले के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक जाएंगे और हम देखेंगे कि कितने इंचेस हमारा गला बनता है। इसके मुताबिक हम अपना बुकरम काटेंगे, इसलिए एहतियात से इसकी पेमाइश करें। अब ये हमारा गला पेमाइश होने के बाद 37 इंच है और 3 इंच हम इसमें बढ़ा देंगे। बुकरम के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, पेंसिल, किसी बॉटल की लीड और इंच स्टेप। किसी भी बॉटल की लीड आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बुकरम है, इसकी लेंथ भी हमने 40 इंच लेनी है, क्योंकि हमारे गले की लेंथ 40 इंच है, तो इसलिए इसको भी हम 40 इंच लेंगे। और इसकी विड्थ हम लेंगे तकरीबन 3 इंच और इसको हम डबल कर लेंगे। क्योंकि हम डबल कॉलर बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद लीड की मदद से इसको आप हाफ सर्कल पे निशानात लगाएं। इस तरह से हमारा गले के जो सर्कल्स हैं वो सब सेम बनेंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं, उसके साथ साथ हम ये तमाम सर्कल आसानी से काट लेंगे। ये देखें, तमाम सर्कल एक साइज़ में कट गए हैं। इसी तरह आप भी निशानात लगा के करें तो आपका गला बहुत प्यारा बनेगा। अभी ये 2 डबल कॉलर लगाना है, तो इसलिए 2 बुकरम के पीस तैयार हुए हैं, जिनको मैंने कपड़े पे जोड़ लिया है।
इस्त्री की मदद से एक मैंने प्रिंटेड फैब्रिक पे जोड़ा है और एक सादा कपड़े पे। अब बुकरम के बिल्कुल किनारे के साथ साथ हम सिलाई सर्कल की शक्ल में लेते रहेंगे। इसी तरह से हम ये जो दोनों बुकरम की पट्टियाँ हमने तैयार की हैं आयरन करके, तो इनको इसी तरह हम तमाम सर्कल्स की बाहर से मशीन के साथ आउटलाइन कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये सिलाई आ रही है। इस तरह से तमाम जो बुकरम के सर्कल्स हैं उनके आउटलाइन के साथ मशीन से हम सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लेनी है, बुकरम के किनारे के साथ साथ कपड़े पर सिलाई लेनी है। अब कैंची से इसका सारा एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। मैंने ये पूरी पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया है। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी प्रिंटेड फैब्रिक पे हमने पट्टी बनाई है उसको भी इसी तरह से आउटलाइन करेंगे मशीन के साथ और फिर कैंची से कट कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ हमें सेम साइज़ में तैयार करनी हैं। अब जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको हम बहुत एहतियात से कट करेंगे कि उसमें धागा नहीं कटना चाहिए। इसी तरह से दोनों पट्टियों के तमाम कॉर्नर्स जो हैं उनको हम काट लेंगे और इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से दोनों उंगलियों से की मदद से इसको हल्का हल्का खींचेंगे ताकि अगर कोई छोटी सी चुनट भी अंदर है तो वो इस तरह से ठीक हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारा बहुत नीट से नेकलाइन बन रहा है। इस तरह से ये हम दोनों बुकरम की पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए नीचे वाले के सर्कल के ऊपर ऊपर वाले का कॉर्नर रखेंगे, अपोजिट साइड पर रखते हुए इनको हम ऊपर नीचे रखकर सिलाई कर लेंगे। और अगर आपके पास ओवरलॉक की सहूलत है तो इस पट्टी के ऊपर ओवरलॉक करें तो उससे आपका नेकलाइन और भी क्लीन बनेगा। अब इस नेकलाइन की पट्टी को हम जो हमने कमीज़ के गले में कट्स लगाए थे दो, एक कट से शुरू करेंगे लगाना और दूसरे कट तक लगाते जाएंगे। जहाँ से हम शोल्डर की सिलाई लेंगे वहाँ से हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। जो हमने शोल्डर और गले के जॉइंट की सिलाई है उससे ये होगा कि बाहर की साइड पे चुनट नहीं आएगी और हमारा शोल्डर बहुत क्लीन बनेगा। तो ये इस तरह से मैंने दोनों साइड पे लगा लिया है। अब हम कमीज़ को सीधा बिछा लेंगे टेबल पे और उसको दोनों हाथों की मदद से उसके कॉलर को एडजस्ट कर। इस तरह से हम नेकलाइन के चारों तरफ बारीक सिलाई किनारे पे लगाएंगे। सिलाई कमीज़ के कपड़े पे आनी चाहिए और यहाँ गला एडजस्ट करने के बाद हम पेंसिल से हल्का सा निशान लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई मशीन पर जाके इसकी एडजस्टमेंट में कोई मसला ना हो। तो ये मैंने निशान लगा लिया है, आप भी इस तरह निशान लगा लें। जिस तरह से हमने ये फैब्रिक एडजस्ट किया है तो इसी तरह से हम इसको ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। एहतियात से उठाएंगे कि ये जो नेकलाइन हमने सेट किया है तो उसको आगे पीछे नहीं होने देंगे। इस तरह से हम सिलाई मशीन की मदद से इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कैंची से काट लेंगे। इस तरह से ये हम कमीज़ के फैब्रिक पे बारीक किनारे पे एक सिलाई ले लेंगे तो उससे हमारा गला जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नीट तरीके से रेडी हो जाएगा। इस तरह से किनारे पर बारीक सी सिलाई लगाते हुए हम इस गले को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड तक राउंड में पूरे नेक के साथ बारीक सिलाई लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक लाइन तैयार हो गया है डबल कॉलर वाला। इसके इस ओपन एरिया में हम निडल के साथ
छोटे छोटे 2-3 स्टिचेस लगा देंगे। और उसके बाद ये गला जो है यहाँ से ओपन ही होगा। और ये बहुत प्यारा नेकलाइन तैयार हुआ है। अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। फ्रेंड्स, ये हमारा न्यू चैनल है तो हम इसमें आपके लिए बहुत अच्छे डिज़ाइन लेके आया करेंगे। ठीक है जी, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।